मोदी जी जिन बातों को फिर आए यहाँ और झूठ परोस के चले गए। जैसे रायपुर में कहा हम धान खरीदते हैं, झूठ बोल गए छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। अभी आए तो फिर झूठ बोल के चले गए। छत्तीसगढ़ में इस साल अंत में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस में बड़ी गड़बड़ की खबर है। दरअसल पीएम मोदी बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी और कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सर का स्वागत है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम मंच पर मौजूद थे। उन्होंने पीएम की जमकर तारीफ की। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रधानमंत्री आए, इनकी आगवानी का मुझे अवसर मिला। एक बार फिर वे बोले सर का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। वे बोले आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें आप देते रहे, भविष्य में भी मिलती रहेंगी ऐसा मेरा विश्वास है। रेल कॉरिडोर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, स्किल नागरिकों को उनकी बेहतर उपचार के लिए कार्ड का सिलसिला जारी है, उसमें आज आपने आकर अपनी उपस्थिति से गति दी है। हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुसार केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव से कोई भेदभाव महसूस नहीं किया गया। राज्य ने काम किया और कुछ मांगा तो बतौर एक साथी की तरह केंद्र सरकार ने हमेशा मदद की, साथ दिया, हाथ कभी तंग नहीं रहा। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव के संबोधन ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की घबराहट बढ़ा दी। अब इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पीएम मोदी यहां आए, झूठ परोसा और चले गए। एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का झूठ आश्चर्य की बात है। बघेल बोले रायपुर में उन्होंने झूठ बोला कि वे चावल खरीदते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। उन्होंने जिस कॉरिडोर का उद्घाटन किया उसमें कितने यात्री सवार होंगे इसका जवाब कौन देगा। वो सिर्फ अडानी का भला करने आए थे, उसका भला करके चले गए। जरा वीडियो देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम बघेल। और जब तो वो खुद पत्र लिखते हैं सेंट्रल को कि मोदी जी जिन बातों को फिर आए यहाँ और झूठ परोस के चले गए। जैसे रायपुर में कहा हम धान खरीदते हैं, झूठ बोल गए छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। अभी आए तो फिर झूठ बोल के चले गए। गोबर गौठान के बारे में बात उन्होंने की, 265 करोड़ का गोबर खरीदे हैं, अब 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, है ना। तो इनका अब विभिन्न मंचों में खुद प्रधानमंत्री जी तारीफ कर चुके हैं, नीति आयोग में तारीफ कर चुके हैं, उस बैठक में तारीफ की है, हम लोग सारे मुख्यमंत्री उपस्थित थे। ये आरोप लगाने के अलावा क्या है। अभी जो कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं कितने यात्री उसमें चढ़ेंगे भाई, ये सब वो अडानी के लिए सब करने आए हैं, उसकी खदान के लिए प्लान भी खरीदेंगे, खदान भी खरीदेंगे। वो ACCL का खदान दिया ना अभी उसी रायगढ़ जिले में गारेपेल में वही तो दिए हैं। ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे हैं और झूठ बोल के जाए, ये तो आश्चर्य की बात है। बता दें वही दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज कहते हैं कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर अपने मित्र अडानी के व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको सहयोग देने आए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं है, अडानी के फायदे के लिए है। मोदी राज में देश का सबसे बड़ा कोयला व्यापारी अडानी समूह बन गया। अडानी के कोयला परिवहन और पावर प्लांटों तक कोयला आसानी से पहुंचता रहा या पहुंचता रहे, इसलिए प्रधानमंत्री को इन रेल कॉरिडोर की चिंता थी। छत्तीसगढ़ की जनता की रेल सुविधाओं की प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की बंद रेल यात्री सुविधाओं और रेल की लेट लतीफी पर कभी कुछ नहीं बोला, इस बार भी प्रधानमंत्री मौन रहे। बहरहाल इस तरह की वार पलटवार के बीच कांग्रेस के लिए घबराहट की खबर जरूर है, जहां टीएस सिंहदेव एक तरफ पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं बघेल मोदी पर निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चूक रहे। हालांकि इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि वो सिर्फ मंच साझा कर रहे थे। टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर थे, इसलिए उन्हें इस तरह की बातों का, इस तरह के संबोधन का प्रयोग करना अनिवार्य सा था।
इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।